2023 में न्यू मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर से मशीन की साइज बड़ी कर दी और मशीन को हैवी ड्यूटी बनाया गया है। हैवी ड्यूटी मतलब कि आप एक साथ दो गन्ना भी ये मशीन में लगाना है तो लगा सकते हो दोस्तों, और एक बार चार्जिंग करने से 3 से 4 घंटे तक आप मशीन को यूज कर सकते हो। अराउंडली 500 ग्लास तक का जूस निकाल सकते हो ये मशीन के अंदर से। प्लस ये मशीन की खासियत है कि एक ही बार में गन्ने में से 97% जूस निकल जाता है। एक ही बार आपको गन्ना डालना है और उसमें से 97% जूस निकलता है। वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल, आप सभी का खूब स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली सुगर केन मशीन बैटरी ऑपरेटेड, बिना बिजली बिना पावर चलने वाली, बैटरी से चलने वाली गन्ना जूस मशीन 2023 में न्यू मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर से मशीन की साइज बड़ी कर दी और मशीन को हैवी ड्यूटी बनाया गया है। हैवी ड्यूटी मतलब कि आप एक साथ दो गन्ना भी ये मशीन में लगाना है तो लगा सकते हो दोस्तों, और एक बार चार्जिंग करने से 3 से 4 घंटे तक आप मशीन को यूज कर सकते हो। अराउंडली 500 ग्लास तक का जूस निकाल सकते हो ये मशीन के अंदर से। कहीं पे भी रोड एरिया है, मार्केट एरिया है, कहीं पे भी ये रख के दोस्तों रोजाना 4 से 5 हजार रुपए की इनकम आप कर सकते हो। तो 2023 की सबसे लेटेस्ट मशीन है, पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है, कहीं पे भी लोहा एमएस यूज नहीं किया दोस्तों। प्लस ये मशीन की खासियत है कि एक ही बार में गन्ने में से 97% जूस निकल जाता है। एक ही बार आपको गन्ना डालना है और उसमें से 97% जूस निकलता है मशीन को। दोस्तों पूरी मशीन है, आपको ये पैक लुक में आएगी, और एक मशीन आपको खोल के भी दिखाइए कि मशीन के अंदर के पार्ट्स क्या आते हैं, कैसे क्रशिंग होती है, रोलर की क्वालिटी क्या रहती है, गियर की क्वालिटी क्या रहती है। और एक साथ दो गन्ना हम लगाते हैं तो मशीन खड़ी रहती है, मशीन रुक जाती है, मशीन के ऊपर लोड आता है कि नहीं आता है, तो ये सब चीजें वीडियो के अंदर हम पूरी बताने वाले दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन पूरी मशीन की खासियत, पूरी सिस्टम, मोटर कैसी लगी है, बैटरी कैसी लगी है, मशीन की स्टील बॉडी कितनी गेज की है, हर एक जानकारी वीडियो के अंदर दोस्तों हम देने वाले दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आप देखिए, 1 किलो गन्ने के अंदर कितना जूस निकलता है, 1 किलो गन्ना कितने का पड़ेगा, और 1 किलो गन्ने में कितना ग्लास जूस निकलेगा, और 1 ग्लास सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, और आपको 1 ग्लास कितने में गिरेगा, ये टोटली डिटेल से वीडियो के अंदर देने वाले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील से, मशीन के अंदर बैटरी लगाया हुआ है, फिलहाल मशीन में कोई पावर दिया नहीं है, आप देख सकते हैं साइड में कहीं पे भी कोई तार का कनेक्शन नहीं है। ये मशीन हमने पीछे खोल के भी रखी हुई है, वो हम आपको बाद में बताने वाले हैं, कहीं पे भी कोई तार नहीं दिया गया है। मशीन दोनों स्टार्टिंग पोजीशन में, वर्किंग पोजीशन में दोस्तों, दोनों मशीन आप स्टार्ट कर सकते हो। फिलहाल हम ये मशीन को स्टार्ट करेंगे यहाँ से, आप देख सकते हैं इसे स्टार्ट होगी मशीन। यहाँ पे हमने वेट करने के लिए लिया हुआ है, अभी यहाँ पे 0-0 वेट है फिलहाल, आप देख सकते हैं। अभी हम इसके अंदर से वेट के हिसाब से गन्ना लेंगे, ये आप देख सकते हैं, एक गन्ना लिया हमने, उसके बाद हैवी क्वालिटी का एक गन्ना लेंगे हम, छोटा या पतला गन्ना नहीं लेंगे फिलहाल, ये आप देख सकते हैं, दो गन्ना हम ले रहे हैं यहाँ पे। अराउंडली 900 ग्राम्स दिख रहा है वीडियो में, 900 ग्राम से दो गन्ना मिला के हुआ है, उसका भी वेट को 0-0 कर देंगे, एक ग्लास का वेट रिमूव करेंगे, रिमूव हो चुका है, अभी ये रिवर्स में चला जाएगा। अभी हम मशीन के अंदर से गन्ना लगाने वाले दोस्तों, ऑलरेडी मशीन के अंदर कोई जूस है नहीं, फिलहाल पूरा खाली है, आप देख सकते हैं ये पूरा खाली है, ये पूरा एम्प्टी है, कोई इसमें जूस नहीं है जरा भी, आप देख सकते हैं। अभी हमें ट्रे जाली यहाँ पे लगाने वाले, उसके बाद यहाँ पे हम जो सुगर केन हमने जो अभी वेट किया है, इसको मशीन स्टार्ट करेंगे, आप देखिए मशीन स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे मशीन रोलर स्टार्ट हो चुके हैं। अभी हम एक साथ इसके अंदर दो गन्ना लगाएंगे, एक एक गन्ना नहीं लगाएंगे, एक साथ दो गन्ना लगाएंगे, आप देखिए हेवी गन्ना है दोस्तों, गन्ना भी हमने पतला नहीं लिया है दोस्तों, हेवी ड्यूटी गन्ना हमने लिया हुआ है इसमें से, और पीछे से इसका वेस्टेज दिख रहा है, आइए पीछे से वेस्टेज दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, आप देखिए एक ही बार में कितना परसेंट क्रश हो चुका है, ये आपके सामने ही है, अभी जो हमने गन्ना डाला उसका ही क्रशिंग है, आप देखिए 1 टाइम में 97% चूरा कर दिया इसमें दोस्तों। अभी हम मशीन को बंद कर देंगे, और हमने जो अभी जूस निकाला 900 ग्राम सुगर केन का, उसका हम कितना जूस निकला है पूरा फ्रेश गाल के,
इसको छानने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे झाली दिया गया है जिससे गन्ने का जूस छन जाएगा अच्छे से। अब देखिए एकदम ग्रीन कलर का नेचुरल जूस आ रहा है, देखो दोस्तों आप देख सकते हैं ये गिलास भर चुका है और हम दूसरा गिलास यहाँ पे हमारे पास पड़ा है वो भी लेंगे। ये दोनों ग्लास कंप्लीटली भर चुके हैं। अभी आपके सामने जो हमने 900 ग्राम का जो जूस का गन्ना लिया अभी उसका यहाँ पे दोनों वेट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे 500 ग्राम रिवेस चला गया था, अभी हम इसको वेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं 560 ग्राम जूस निकला है इसके अंदर, 900 ग्राम गन्ने के अंदर से 560 ग्राम जूस निकला है दोस्तों। एक किलो गन्ना मतलब 900 ग्राम गन्ना आपको बाजार में 8 रुपए में मिलेगा। 8 रुपए के अंदर आप इतने बड़े बड़े दो ग्लास 300-300 एमएल के दो ग्लास बना सकते हो। 8 रुपए के अंदर दोस्तों 300-300 एमएल के दो ग्लास आपको लैंडिंग जाएंगे दोस्तों। 4 रुपए का एक ग्लास आपको लैंडिंग आएगा 300 एमएल का। बाजार में मिनिमम 15 रुपए में सेल कर सकते हो, अगर 15 में नहीं सेल कर सकते हो तो 10 रुपए में भी आसानी से इसको आप बाजार में सेल कर सकते हो दोस्तों। और हमारे पास जो पैक मशीन पड़ी है उसमें भी मैं आपको जूस निकाल के बताता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी ये पैकिंग वाली मशीन है, ये हमने आपको ओपन करके बताया था, ये मशीन पूरी पैक है, इसको भी हम स्टार्ट करेंगे, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें भी हम एक साथ दो गन्ना लगाएंगे दोस्तों, आप देखिए ये दो गन्ना एक साथ लगाने वाले इसमें। अब देखिए इसको हैवी स्ट्रक्चर दिया है कि एक गन्ने के अंदर मशीन पहले काम नहीं करती थी, उसको हम एक साथ दो दो गन्ना लगा के भी काम करवा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर इसका स्ट्रक्चर हमने पूरा हैवी दे दिया है इसका। आप देख सकते हैं गन्ना दोनों लगा दिया हमने, अभी हम मशीन को बंद कर देंगे। यहाँ से मशीन बंद हो चुकी है, अभी यहाँ से आप फ्रेश जूस क्लीन गाला हुआ आसानी से निकाल सकते हैं। प्लस मशीन का आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील क्वालिटी का जो ऊपर का प्लेट दिया गया, इसका आपको गेज दिखाएंगे, थोड़ा यहाँ से जूम करके फॉक्स करके बताइए। इसका प्लेट का गेज देखिए दोस्तों, कितना हैवी प्लेट यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, दिखाइए यहाँ पे थोड़ा जूम करके प्लेट का हैवी गेज दिखाइए यहाँ से। जब देखिए गेज कितना हैवी है, आप देख सकते हैं पूरा हैवी ड्यूटी प्लेट यहाँ पे लगाया हुआ है, हैवी गैस का प्लेट लगाया हुआ है। प्लस यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें जो बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे दोनों बैटरी लगाया हुआ है, प्लस यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, मोटर को चेन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसको आपको कई बार अगर ये बेल चेन लूज हो जाता है तो इसको आप थोड़ा बोल्ट करके मोटर को थोड़ा नीचे भी ले सकते हो। प्लस इसका आपको हमने गेज बताया प्लेट का, ये प्लेट का गेज को भी एडिशनल एक्स्ट्रा हमने हैवी पैकिंग और एक रखा हुआ है इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं मशीन को हम थोड़ा टर्निंग ले रहे हैं, यहाँ पे घुमा रहे हैं, यहाँ पे पूरा एमएस का बड़ा प्लेट भी दिया है, आप देखिए ऊपर दिया कैमरा, पूरा प्लेट स्टार्ट से लेके एंड तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का। सबसे पहले तो स्टील का आप गैस देखिए, ये हैवी ड्यूटी गैस का स्टील का प्लेट है और उसको भी कवर करने के लिए ये बड़ा प्लेट भी दिया गया है, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपका जो गियर है कोई चीज है वो उसको पुशिंग ना हो, गियर डैमेज ना हो इसके। प्लस यहाँ पे भी पूरा चेन सिस्टम दिया, आप देखिए जो मोटर से नीचे से चेन जाएगा पूरा चेन सिस्टम यहाँ पे पूरा प्रोसेस ले दिया है। प्लस यहाँ पे उठाने के लिए हैंडल सिस्टम है, आसानी से आप उठा के कैरी ऑन कर सकते हो, अराउंड ओनली 40 से 45 किलो मशीन की वेट है। प्लस यहाँ पे बैटरी कितना आपका चार्ज है उसका डिजिटल मीटर भी दिया है, यहाँ पे आप मशीन स्टार्ट करेंगे इसलिए आपको मालूम होगा कि आपका बैटरी कितना चार्ज है। शो कर रहा है यहाँ पे, दिख रहा है वीडियो में, अब देखिए कितना परसेंट आपका बैटरी चार्ज है, यहाँ पे 100 दिखता है, बाहर से आप देख सकते हो कि आपका बैटरी कितना चार्ज है। और कल सुबह आपका बैटरी को चार्ज करना है आपको, तो चार्ज करने के लिए हमने इसका अलग से जो इसका है बैटरी का चार्जर है, आपका बैटरी खत्म होने के बाद सीधा आप इसको एडप्टर ऐसे लगा देना है, एडप्टर लगा के आसानी से आप इसको चार्जिंग कर सकते हो, 3 से 4 घंटे के अंदर आपका बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा दोस्तों। तो 2023 की सबसे हाई एडवांस फंक्शन हाई सिस्टम वाली मशीन है दोस्तों, हैवी ड्यूटी वर्किंग है, स्मॉल साइज कॉम्पैक्ट साइज में छोटी सी जगह में लेके आप रोजाना 5 से 6 हज़ार का प्रॉफिट और इनकम कर सकते हो। एक गिलास बनाने का खर्चा आपको 4 रुपये में गिरता है, बाजार में मिनिमम 15 में सेल कर सकते हो, अगर 15 में भी नहीं बेचने तो 10 में तो मिनिमम आसानी से सेल कर सकते हो, फ्रेश क्लीन और हाइजेनिक जूस। तो इस तरह की मशीन की दोस्तों ज़्यादा डिटेल ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन
ऑप्शन ले सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।